नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के पोर्टल के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी एनपीसीआई पोर्टल से किसी भी बैंक में डीबीटी प्लस एनपीसीआई को लिंक करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर जब लिंक करेंगे तो इंस्टेंट ही लिंक होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आज ही सुबह यहाँ पर डीबीटी लिंक किया, तो यहाँ पर डीबीटी लिंक हो गया था तुरंत इंस्टेंट। तो दोस्तों आप लोग को अपना इंस्टेंट ही अपना किसी भी बैंक में डीबीटी एनपीसीआई लिंक करना है तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे भी ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इसके माल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने बैंक में डीबीटी एनपीसीआई इंस्टेंट यानी कि तुरंत लिंक करने के लिए आपका तुरंत लिंक होगा। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डीबीटी यहाँ पर जो एनपीसीआई के पोर्टल है उस पर आना होगा। आने के बाद आपको यहाँ पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑप्शन शो करेगा, कंज्यूमर का, आपको कंज्यूमर वाले पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन शो करेगा भारत आधार से लिंक इनेबल, आपको इसी वाले पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है, जो भी आपका आधार नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर रिक्वेस्ट फॉर आधार में आपको यहाँ पर सीडिंग सेलेक्ट करना है, फिर आपका कौन सा बैंक है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर केनरा बैंक सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर सीडिंग टाइप में आप फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो फ्रेश सीडिंग, अगर आपका कोई और बैंक में लिंक उससे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप मूव टू यहाँ पर थर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे, हम फ्रेश सीडिंग कलर सेलेक्ट किए हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी बैंक हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी अभी बैंक इसमें दिया गया है आप इतना ही बैंक से डीबीटी एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर केनरा बैंक सेलेक्ट करते हैं, फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करते हैं, फिर यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करते हैं, फिर यहाँ पर कंसेंट डालिएगा और फिर नीचे जो ये कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को यहाँ फिलअप करके प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम सारा ऊपर का यहाँ पर फिलअप कर दिए, कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके समय टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते 6 डिजिट मोबाइल आपके यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार से रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी गया होगा। आपको क्या करना है, ओटीपी को आपको फिर से फिलअप करेंगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग लिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखते यू हैव ऑलरेडी सीडेड विद केनरा बैंक, ओके टू प्रोसीड। मेरा जो केनरा बैंक में मेरा पर पहले से ही मेरा डीबीटी एनपीसीआई लिंक है। दोस्तों ये पोर्टल पहले काम नहीं करता था, अब फाइनली यहाँ पर पूरी तरह से काम करना चालू हो गया है। अगर आप डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो आपका तुरंत इंस्टेंट दोस्तों लिंक होगा। यहाँ पर मेरा पहले से ऑलरेडी लिंक है, यहाँ पर देखते हैं हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आधार से लिंक इन प्रोसेस, प्लीज चेक योर सीडेड। मेरा यहाँ पर देखिए रेफरेंस नंबर भी दे दिया, मैंने यहाँ पर पहले से ही लिंक है तो मेरा तब पर भी हमको यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग बताएंगे। यहाँ पर देखते ये पूरा आपका यहाँ पर लिंकिंग, जैसे आप लिंक करते थे ये पूरा जो प्रोसेस है इस तरह से होगा। मेरा यहाँ पर पहले से यहाँ पर था इस वजह से मेरा यहाँ पर बता दिया मेरा ऑलरेडी लिंक है। हम आपको दोस्तों एक स्क्रीन शॉट भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम डीबीटी लिंक किए थे, यहाँ पर देखते हैं 6/8/2024 का आज ही के दिन यहाँ पर डीबीटी लिंक किए थे और इंस्टेंट ही यहाँ पर डीबीटी लिंक हो गया है। पर मेरे जो केनरा बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक हो चुका है। दोस्तों पहले क्या होता था, आप किसी भी बैंक में डीबीटी एनपीसीआई लिंक करते थे तो आपका 24 घंटे का टाइम लेता था, अब ऐसा नहीं है। एनपीसीआई पोर्टल से मात्र इंस्टेंट ही दोस्तों आपका डीबीटी एनपीसीआई लिंक हो जाता है। तो दोस्तों आप करना चाहते हैं तो ये इसे कर सकते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएं। अब दोस्तों मैसेज कैसे आएगा वो भी, इस तरह का दोस्तों मैसेज आएगा, डियर कस्टमर योर आधार नंबर इतना हैज बीन सक्सेसफुली लिंक विथ एनपीसीआई फॉर कैनरा बैंक। यहाँ पर देखते 6 अगस्त 9:30 यहाँ पर 9:33 में यहाँ पर मेरा लिंक है, तो यहाँ पर तुरंत ही दोस्तों इंस्टेंट ही लिंक हो गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से मैसेज भी आपको मोबाइल पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट ही अपने किसी भी बैंक में एनपीसीआई डेबिट को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।